सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द, पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुए बैठक का फैसला। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है, मैं हूं राहुल सिंह। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में यह फैसला किया गया। पीएम ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। बैठक में कहा गया कि पिछले साल की तरह यदि कुछ बच्चे परीक्षा देने की इच्छा रखते हैं तो स्थिति अनुकूल होने पर सीबीएसई द्वारा उन्हें ऐसा विकल्प प्रदान किया जाएगा। करीब 2 घंटे तक चली बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को 12वीं की परीक्षाएं आयोजित करने के सभी संभावित विकल्पों और समाधानों के बारे में बताया गया। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रेल मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, सीबीएसई के अध्यक्ष तथा शिक्षा सचिव के अलावा कई वरीय अधिकारी शामिल हुए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक अस्वस्थ होने के कारण शामिल नहीं हुए, वह आज ही अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में परीक्षाएं रद्द करने की मांग को लेकर एक और याचिका दायर की गई है। इसमें परीक्षाओं को रद्द करने के साथ ही मूल्यांकन कार्य संबंधी निर्णय के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने की मांग की गई है।